बीते दिनों खुदकुशी करने वाले चीफ खालसा दीवान के पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह चड्ढा के पुत्र इंद्रप्रीत सिंह चड्ढा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर चरणजीत सिंह चड्ढा भी अपने पुत्र के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बता दें कि बुधवार को चीफ खालसा दीवान चरणजीत सिंह चड्ढा के बेटे इंद्रप्रीत सिंह चड्ढा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद गुरुवार को सिविल अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 36 स्थित सैनिटरी गार्डन में एक अनूठा नजारा देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय पक्षी दिवस के अवसर पर एक समाज सेवक ने हवन करवाकर मरे हुए पक्षियों की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान शहर की कई महान हस्तियों ने अपना अपना योगदान दिया। प्रिंस नाम का यह शख्स घायल पक्षियों को दूर दूर तक ढूंढता है और उनका इलाज करता है। प्रिंस के जीवन में हुई एक अनोखी घटना के कारण उसने तभी से परिंदों की देखभाल करने का बीड़ा उठा लिया और उसकी इस मुहिम के कारण उन्हें अब तक कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। प्रिंस का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ चुका है। प्रिंस के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसका जानवरों प्रति प्रेम इतना बढ़ गया, जाने उसी की जुबानी। मैं 2011 से बड़े बुलेट चला रहा हूं। अब तक मैं 650 के करीब है इनका संस्कार, अंतिम संस्कार कर चुका। बर्ड एम्बुलेंस अच्छा। जो फर्स्ट एम्बुलेंस है, जो बर्ड एम्बुलेंस है। मैं चंडीगढ़ में पंजाब में मतलब मोहाली तक कितने बर्ड्स, मैं 650 के करीब मैं अब तक संस्कार कर चुका हूँ। अच्छा। कबूतर हो गया, चील वगैरह होगी, कौआ वगैरह हो गया, तो चिड़िया वगैरह, मोर वगैरह, कोई भी पंछी जो बाहर से भी आते हैं, कई उनके ज्यादातर कबूतर वगैरह, जहाँ भी कोई कच्ची जगह मिल जाती है, जहाँ पर खड्डा आसानी से हो जाए। मेन मोटिव की है थोड़ा आज तक? मोटिव है कि मैं इतना जो पक्षियों का जो बाहर पड़े रहते हैं, वो उन्होंने बदबू फैलती है जी। एक तो पर्यावरण को नुकसान होता है जी, उस तो बाद जी हवा च बदबू फैलेगी, वो साढ़े हवा के जरिए साढ़े सांस के अंदर जाएगी, तो सब बीमारी फैलती है जी। पटियाला में सीएम आवास के नजदीक स्थित थाना ऑफिसर कॉलोनी चौकी में मुंशी पद पर तैनात पुलिस कर्मी जवाहरलाल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर मौजूद पुलिस ने शव को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पटियाला के DIG सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि इस मृतक पुलिस कर्मी के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपनी पत्नी साले और साले के बेटे का नाम लिखा हुआ है। फिलहाल पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। उधर विच हेड कांस्टेबल ने सुसाइड किया है जी। उन्हें एक सुसाइड नोट लिखा है, जिधर विच उन्हें अपनी वाइफ उते और अपने साले दे बेटे उते एलिगेशंस लगाए हैं। सो उधर जो एज पर दी सुसाइड नोट जो FIR बंदी रजिस्टर करके फिर उधर जिधर तत्था वो सारे देखांगे और जो कानूनी कार्रवाई बंदी उधर विच की जाएगी। नहीं अजय, उन्हें सिर्फ कोई सुसाइड नोट जड़ा उधर विच तो स्ट्रेट अवे ही एज कंसीडर के जुम्मेवार है, बाकी तो डुगाई च तफ्तीश करांगे फिर पता लगेगा। पटियाला पुलिस ने एक सीरियल किलर को पकड़ने का दावा किया है, जो 1995 से लेकर अब तक 7 कत्ल कर चुका है। कातिल का नाम जगरूप सिंह है, जो पटियाला पुलिस की पकड़ में तब आया जब उसने 30 दिसंबर को थाना मॉडल टाउन में कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। कातिल जगरूप ने यह कत्ल नाजायज संबंधों के कारण किया था। पुलिस ने इस सीरियल किलर को गिरफ्तार कर 4 अनट्रेस केसों को हल कर लिया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 29-30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਬੁਕਤੀ ਜੀ ਨੇ ਟੀਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SPD ਰਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ, SP ਸਿਟੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਕੰਸਰਨ DSP SHO ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੇਮਾ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਹਨੇ 7 ਕਤਲ ਮੰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰੇਸਡ ਸੀਗੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਲੇਕਿਨ 4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ 2015 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ 2 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਔਰ ਸੰਤ ਵਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੋਂ ਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਏ ਗਏ। ਵਿਭਿੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੋਂ ਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਬਹ ਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਰਾਗੀ ਵ ਕੀਰਤਨ ਜਥੋ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਓਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੋ ਨਮਨ ਕੀਆ। ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 19-9 ਨੂੰ 9 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, 3:30-4 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈਗਾ।